नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों गला थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ शायद आपको नहीं आ रही होगी साफ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसके रिज़ल्ट से लेकर चॉइस फिलिंग का रिज़ल्ट कब आने वाला है और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, कल ये मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिला था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे और जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है और जो कि मुझे मोटिवेट करता है अच्छा कॉन्टेंट बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा इसलिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एमपी पुलिस का जो रीसेंट अपडेट है, तो मैं आपको बता दूं कि कल उन्होंने ट्वीट किया था एक, जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, तो मैं वो आपको ट्वीट नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं उसके आगे का अपडेट आपको देने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि उन्होंने कल व्यापम ने कल ट्वीट करके बताया था कि अभी तक उनको लिस्ट नहीं मिली है वो हेडक्वार्टर की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि जो हेडक्वार्टर की तरफ से लिस्ट जो व्यापों को मिलने वाली है, वो कहा जा रहा है कि 9 तारीख को मिल सकती है, 9 तारीख के आसपास उसको लिस्ट दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब उनको लिस्ट दी जाएगी, इसके बाद में भी थोड़ा प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है कोई भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 9 या 10 को लिस्ट दी जाएगी, जिसके बाद कुछ टाइम लगता है, तो जिसमें कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 15 तारीख तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसे चांसेस हैं अगर सब कुछ सही ढंग से जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग चलता रहा तो। तो ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है और बेस्ट विशेष आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और मैं आपको एक चीज़, आज मैं बहुत खुश हूँ एक बात और के लिए कि मेरे चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग अच्छी बातें बोलते हैं किसी वीडियो को, क्योंकि वीडियो सिर्फ आसानी से नहीं बन जाती, टाइम स्पेंड करना पड़ता है वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में। तो अगर वो अच्छी वीडियो लगी दो लोगों को जिस बात के लिए बनाई गई हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा उसके लिए, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और जो भी और अपडेट जैसे ही आएगा तैसे मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। लाइक कर दें वीडियो को, जैसे ही आपने इसको सपोर्ट किया था ऐसे इसको भी सपोर्ट करें लाइक करके, बहुत सारे लाइक कर करके, और कमेंट कर लें आप। धन्यवाद।